हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। चांद पर जाने वाले भारत के चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग सफल हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष मिशन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा चंद्रयान 2 सोमवार दोपहर 2:43 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। ये सैटेलाइट करीब 48 दिन में चंद्रमा पर पहुंचेगा। दिलचस्प बात यह है कि चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। दरअसल अभी तक चांद के जितने भी मिशन रहे हैं वो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरे। चांद के इस हिस्से के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, चांद पर पहुंच चुके अमेरिका, रूस और चीन ने भी अभी तक इस जगह पर कदम नहीं रखा है। भारत के चंद्रयान 1 मिशन के दौरान ही दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बारे में जानकारी मिली थी और इसके बाद से ही पूरी दुनिया में चांद के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव के बारे में रुचि जगी थी। चंद्रयान 2 के जरिए भारत दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद उन सभी संभावनाओं की खोज कर सकता है जिससे करीब 500 साल तक देश की ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस दावे का विदेश मंत्रालय ने खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कभी मदद मांगी थी। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ केवल कश्मीर पर द्विपक्षीय बातचीत कर सकता है। कश्मीर पर भारत का रुख पहले की तरह बरकरार है और तीसरी पार्टी को हस्तक्षेप करने नहीं दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हमने अमेरिका के राष्ट्रपति की टिप्पणी देखी कि यदि भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर अनुरोध करते हैं तो वो मध्यस्थता करने को तैयार हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित का आखिरी खत सामने आया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे इस खत में शीला दीक्षित ने राज्य प्रभारी पीसी चाको के साथ चल रहे सियासी टकराव का जिक्र किया था। शीला ने अजय माकन को इन सबका जिम्मेदार बताया था। शीला दीक्षित ने अपने आखिरी खत में लिखा कि मैं दिल्ली कांग्रेस को मजबूत करने के फैसले ले रही हूं लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऐसा नहीं करने दे रहे। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के इशारे पर चलकर प्रभारी पीसी चाको बेवजह कदम उठा रहे हैं। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन प्रभारी चाको को गुमराह कर रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही शीला दीक्षित ने लिखा कि जानबूझकर मेरे फैसलों में अड़ंगा लगाया जा रहा है जबकि मैंने ही अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। जबकि माकन के कहने पर चाको गठबंधन के पक्षधर थे। आखिर में नतीजे बताते हैं कि कैसे तीसरे नंबर की कांग्रेस बिना गठजोड़ के 2 नंबर पर आ गई। कर्नाटक का सियासी नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को भी देर रात तक विधानसभा में कांग्रेस जेडीएस और बीजेपी विधायकों के बीच टकराव की स्थिति बनी रही। कुमार स्वामी की सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हुई। संशय के बीच सदन की कार्यवाही आधी रात तक चली। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा वोटिंग कराने की मांग पर अड़े रहे लेकिन विश्वास प्रस्ताव को लेकर 3 दिन से जारी बहस खत्म नहीं हुई। हंगामे के बीच स्पीकर रमेश कुमार ने विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार की सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को भी विश्वास मत पर बहस होगी। इसके बाद शाम 6 बजे तक विश्वास मत पर वोटिंग की जाएगी। कश्मीर पर मध्यस्थता के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है। ट्रंप प्रशासन इस बात का स्वागत करेगा कि भारत पाकिस्तान बातचीत की मेज पर बैठे। इसमें अमेरिका मदद के लिए तैयार है। हालांकि जो इमरान खान कश्मीर मसला अमेरिका के सामने उठा रहे थे उससे आतंकवाद पर मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में साफ कर दिया कि भारत पाक में जो मसला है उसकी असली जड़ पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहा आतंकवाद है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में आगे कहा कि अमेरिका मानता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सफल बातचीत की बुनियाद अपनी सरजमीं पर आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान के निरंतर और अटल कदम पर आधारित होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीते साल शहीद हुए औरंगजेब तो आपको याद ही होंगे। ईद मनाने के लिए अपने गांव जा रहे औरंगजेब की आतंकियों ने हत्या कर दी थी।
ताकि कश्मीर के युवा डरकर सेना में शामिल ना हो, लेकिन आतंकियों की इस गफलत को दूर कर दिया। और औरंगजेब के ही दो भाइयों ने, जिन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का प्रण लिया, औरंगजेब के भाई मोहम्मद शाबीर और मोहम्मद तारिक सेना में शामिल हो गए। इन दोनों भाइयों के फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है और वर्दी में इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि दोनों भाइयों ने सेना ज्वाइन कर आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। खबर चरखी दादरी से है, जहां ओवरलोडिंग मामले की सीबीआई जांच के लिए सीएम को सिफारिश पत्र लिखने वाले कृषि मंत्री ओपी धनखड़ पहले के रुख से पलट गए हैं। वहीं धनखड़ ने कहा कि ओवरलोडिंग मामले की जांच सीबीआई से करवाने की जरूरत नहीं है, अगर सरकार एसआईटी की से जांच करा रही है तो सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं। साथ ही ये भी कहा कि विपक्षी कभी संतुष्ट नहीं होते, इसलिए उच्च स्तरीय जांच की मांग करते रहते हैं। बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे और इस दौरान ओम प्रकाश मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जिस प्रकार जांच करवाई जा रही है उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। इनेलो से त्याग पत्र देने वाले रानिया के विधायक रामचंद्र कंबोज ने विधायक पद से अपना इस्तीफा विधानसभा को स्पीकर को भेज दिया है। कंबोज ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष बीडी ढालिया को जवाब देते हुए कहा कि यदि वो स्वार्थी होते तो 30 सालों तक इनेलो को पूर्ण समर्पित ना रहते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब वो इनेलो को अलविदा कह चुके हैं, लोगों की जो मर्जी है वो करते रहें। इस्तीफे के कारणों को साफ करते हुए उन्होंने कहा कि हालात से मजबूर होकर और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही पारिवारिक जंग के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सावन के पहले सोमवार के साथ ही श्री बाबा तारा कुटिया में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान व्यास आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण शास्त्री महाराज के श्रीमुख से अमृत वाणी की कथा हुई और कथा का शुभारंभ श्री बांके बिहारी जी की आरती से हुआ और श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने आरती की। इस अवसर पर पूर्व गृह राज्य मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा भी शामिल रहे। यह कथा 27 जुलाई तक हर दिन दोपहर 3 से 7 बजे तक होगी। कथा व्यास आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री महाराज ने कथा वाचन करते हुए कहा कि भगवान पर किसी का जोर नहीं है, भगवान किसी की साधना के बल पर नहीं मिलते, भगवान जब भी प्राप्त होंगे तो वो अपनी कृपा से ही मिलेंगे। श्री भागवत कथा श्रवण के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत करी। सोहाना के नागरिक अस्पताल में बीमारियों को चेक कराने के लिए स्थापित की गई सीबीसी मशीन पिछले 4-5 दिनों से खराब चल रही है, जिसकी वजह से यहां आए रोगियों को जांच के लिए निजी लैब के धक्के खाने पड़ रहे हैं। सीबीसी मशीन पर बीमारी की जांच के लिए हर रोज 40 के करीब मरीज आते हैं और ऐसे में पिछले 4-5 दिनों से लगभग 200 मरीजों को इलाज के लिए निजी लैब में जाना पड़ रहा है। इंद्री के गांव गुड़ा में अधिकारियों को पिछले साल से शिकायत मिल रही थी कि वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। दरअसल कुछ लोगों ने वन विभाग के प्लाट पर कब्जा करके चारदीवारी कर रखी है, जिस पर वन विभाग अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए पुलिस के साथ मिलकर अवैध कब्जे पर जेसीबी चलाकर हटा दिया। पंजाब के बाद अब हरियाणा में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, चिट्टे का सेवन देश का भविष्य खराब कर रहा है। ताजा मामला यमुनानगर से है, जहां न सिर्फ युवा बल्कि युवतियां भी स्मैक के नशे की जद में हैं। दरअसल एक दिन पहले एक एक्टिवा चोरी की वारदात हुई थी और इस मामले में सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवती एक्टिवा चोरी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल में भेज दिया है। पानीपत के सिविल अस्पताल की ओपीडी के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला सामने आ रहा है। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर यहां आपको ओपीडी के लिए किसी डॉक्टर को दिखाना है या कोई दवाई लेनी है तो पर्ची कटवानी है या फिर पहले कर्मचारी से रसूख बनाए या फिर सिफारिश ढूंढे, तभी आपका काम हो पाएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यहां कुछ लोग बिना लाइनों के लगे सीधे काउंटर के अंदर जाकर अपना काम करवा लेते हैं और वहीं इस मामले पर सीएमओ का कहना है कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।
सोहना और नूह में अदालत के अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर अपना कामकाज छोड़ अदालत परिसर में एक दिन का धरना दिया। वकीलों का आरोप है कि आए दिन वकीलों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही, जिससे अपराधियों के हौसले ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। यहां तक कि वकीलों के घर जाकर भी परिजनों को धमकी दी जा रही है। वकीलों का कहना है कि सब गंभीर विषय को लेकर वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर दिया है। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो आगे से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। सोनीपत के सुभाष चौक पर पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट में डीसीपीयू लीगल अधिकारी रेखा शर्मा ने छापेमारी करी। वहीं डीसीपीयू लीगल अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 18 साल के कम उम्र के बच्चे पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट में काम करते हैं। यहां मौके पर छापेमारी कर तीन बच्चे काम करते हुए पाए गए। हालांकि रेस्टोरेंट मालिक ने मीडिया से खबर ना चलाने की भी गुहार लगाई, साथ ही कहा कि रेस्टोरेंट मालिक ने मामले को निपटाने की भी बात कही है। आज सुबह एक तेंदुआ देखने को मिला है और ये मामला सामने आया, जिसके बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को भी दे दी गई है। मौके पर पहुंचे वन विभाग ने तेंदुओं को काबू कर लिया है। कालका दिल्ली शताब्दी ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक का शव कालका चंडीगढ़ रेल ट्रैक पर पूरे हालत में पड़ा हुआ मिला। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। फिलहाल इस शव को 72 घंटे की शिनाख्त के लिए शव गृह में रख दिया गया है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोमवार देर रात पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पेड़ से एक शख्स का शव लटका हुआ मिला। शख्स व्यक्ति के गले में कपड़े का फंदा लगा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम टीम को मौत के कारण की जांच करने के लिए भी बुला लिया गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी बच्चू सिंह ने बताया कि मृतक के शव को पेड़ से नीचे उतारकर शव गृह पहुंचा दिया गया है। बता दें कि अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है और ना ही पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट मिला है। फिलहाल जांच रिपोर्ट आने पर ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला के चंडी मंदिर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि हादसे में 15 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल भी हो गए। दरअसल कांवड़िए टेम्पो से जल लेने हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही टेम्पो एक गाड़ी और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। घायलों का नागरिक अस्पताल में इलाज जारी है, जहां से कुछ घायलों को पीजीआई में रेफर कर दिया गया। बहरहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में कुल 9,86,345 नौकरियों का सृजन हुआ। यह अप्रैल महीने में दी गई 10,15,286 नौकरियों के मुकाबले कम है। बता दें कि आंकड़ा मोदी सरकार के प्रथम दौर में ही मान जाएंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार का गठन 30 मई यानी कि महीने के अंत में हुआ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 61,12,223 नौकरियों का सृजन हुआ था, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में 15,52,940 नौकरियों का सृजन हुआ और सितंबर 2017 से मई 2019 के बीच कुल 96,06,000 नौकरियों का ही सृजन हो सका है। पिछले हफ्ते के निराशजनक माहौल के बाद सोमवार को भी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। एशियाई बाजारों में गिरावट और एफआईआई की बिकावली की वजह से सेंटीमेंट कमजोर रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 305.88 अंक गिरकर 38,031.13 पर बंद हुआ और इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 82 अंक गिरकर 11,337.15 पर बंद हुआ। बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट देखी गई। सोमवार को कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 400 अंक टूटकर 38,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे चला गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी भी 200 दिन के
एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज के नीचे चला गया। बजट के बाद बिकावली जारी रहने से अब तक निवेशकों को करीब 6 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा है। रियलमी ने हाल ही में अपने दो नए स्मार्टफोन्स रियलमी एक्स और रियलमी 3i को भारत में लॉन्च किया है और रियलमी 3i रियलमी 3 का थोड़ा डाउनग्रेड वर्जन है और भारत में आज स्मार्टफोन की पहली सेल है। स्मार्टफोन के बैक में ड्यूअल कैमरा सेटअप पर और बैक पैनल में ही डायमंड कट ग्रेडिएंट डिजाइन दिया गया है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआती कीमत करीब 7,999 रुपए रखी गई है और यह कीमत 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए रखी गई है और इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि 4GB और 64GB वेरिएंट की कीमत करीब 10,000 रुपए है और ग्राहक स्मार्टफोन को आज फ्लिपकार्ट और रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट से दोपहर 12 बजे से खरीद पाएंगे और ग्राहकों के पास डायमंड ब्लैक, डायमंड ब्लू और डायमंड ब्लू कलर ऑप्शन शामिल होगा। 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर आए पाक पीएम इमरान खान ने कहा कि 2023 वर्ल्ड कप तक वह अपनी टीम को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनाने की योजना कर रहे हैं। इमरान ने आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत से मिली हार पर पाक टीम को हार का डर निकालने की सलाह दी और कहा कि हार के डर से नकारात्मक रणनीति बनती है। टीम मैनेजमेंट नहीं चाहती यह भी कहा गया कि धोनी संन्यास लें क्योंकि अगर पंत चोटिल हो जाते हैं तो टीम मैनेजमेंट चाहती है कि जरूरत पड़ने पर धोनी शामिल रहें। महेंद्र सिंह धोनी ने अगले 2 महीने तक क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया है। धोनी के इस दौरे पर ना जाने के फैसले पर लोगों ने सवाल उठाने अब शुरू कर दिए हैं। सूत्रों ने कहा कि पंत के बाद हमारे पास जितने भी नाम हैं उनमें से कोई भी धोनी के मुकाबले लायक नहीं है, इसलिए धोनी का मार्गदर्शन और मौजूदगी बेहद जरूरी है। सिलेक्शन कमेटी ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को तीनों फॉर्मेट्स के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। चयनकर्ताओं ने लेग स्पिनर राहुल और उनके चचेरे भाई दीपक चहर को वेस्टइंडीज के साथ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारत की सीनियर क्रिकेट टीम में शामिल किया है। वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के नए कोच के लिए आवेदन मांगे हैं। बीसीसीआई ने हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर के लिए भी आवेदन मांगे हैं। बीसीसीआई के मुताबिक इच्छुक उम्मीदवार 30 जुलाई शाम 5 बजे तक अपने आवेदन भेज सकते हैं। रवि शास्त्री का कार्यकाल वर्ल्ड कप के बाद समाप्त हो चुका है लेकिन वेस्टइंडीज दौरे को देखते हुए इसे 45 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। बीसीसीआई ने हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड कंडीशनिंग कोच और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर के लिए आवेदन तो मांग लिया है और इसके लिए उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द लोग आवेदन करें ताकि जल्द से जल्द टीम इंडिया को नया कोच मिल सके। श्रीलंका के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने टीम इंडिया के हेड कोच पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। महेला जयवर्धने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कोच भी रह चुके हैं। महेला जयवर्धने अपनी कोचिंग में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस को 2017 और 2019 में आईपीएल चैंपियन भी बना चुके हैं। महेला जयवर्धने के अलावा टीम इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जितवाने वाले पूर्व कोच गैरी क्रॉस्टन और टॉम मूडी भी इस पद के लिए अप्लाई करने की तैयारी में हैं।